हाई एवरी वन, दिस इज अनम, वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 13th लेक्चर ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग उस्मानिया यूनिवर्सिटी फॉर योर PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑन गोइंग है। जल्द से जल्द आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है क्योंकि लास्ट डेट है आपकी 17th of September 2022। उससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपके फिलअप कर ही लेना है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हमने काफ़ी आपका जो सिलेबस है वो कवर कर लिया है सारे लेक्चर्स में अभी तक के। और आज का जो सेशन है हमारा, यह आज के सेशन में हमने मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इस टॉपिक पर इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में 4 questions कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। सो अच्छे तरीके से इस सेशन को देख लीजिए, सारे MCQs को आपको सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स रिलीज नहीं हुई हैं। जब भी डेट रिलीज होती है मैं आपको वीडियो के थ्रू नोटिफाई कर दूंगी। उसी के साथ साथ पेपर पैटर्न पता होना चाहिए अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। सिलेबस पता होना चाहिए, पासिंग मार्क्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। सो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ कि आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपका, उसमें आपका जो पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 आपको 35 MCQs पर बेस्ड होता है। पेपर 2 आपका 35 MCQs पर बेस्ड होता है। दोनों भी पार्ट्स का आपका 35 35 मार्क्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसके लिए आपको सिलेबस क्या फॉलो करना है, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इन्होंने दे रखा है और लिंक जो है आपके सिलेबस के प्रॉपर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आपको। उस लिंक पर आप क्लिक करिए, आप आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रेफर कर सकते हैं। अब आपके एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होता है। यानी मिनिमम एग्जामिनेशन में आपको 35 MCQs करेक्ट मार्कर कराना होता है। यानी अगर आप पेपर 1 की भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लो तो आप इजिली एग्जामिनेशन को पास कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने आपके लिए रिसर्च मेथडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। थियोरी प्लस MCQs दोनों वीडियो लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे। देन मॉक टेस्ट है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मॉक टेस्ट है। सारे MCQs यहाँ पर कवर करने की कोशिश करिए। नोट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PDF है जिसमें हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखा है। सो ये सारा कंटेंट काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, सिंपलेस्ट वे में हमने आपको डिज़ाइन कर रखा है, दे रखा है। काफ़ी कम प्राइस में हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कंटेंट जो है हमारा काफ़ी कम प्राइस में आप इसे एक्सेस कर सकते हो। सो यहाँ पर 100% गारंटी वाला कोर्स है। हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और MCQs दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं और उसी के साथ साथ MCQs से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज कर MCQs को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशन बाकी है। एंड 1500+ MCQs रिविजन PDF जिसमें इस PDF में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सअप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप वन क्लिक में ही वहां से हमारे ऐप के पर वन क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। क्वेश्चन, अ डैश इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इन विच ग्रुप ऑफ पीपल आर आस्क्ड अबाउट देयर ओपिनियंस एंड परसेप्शंस। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड है जहां पर रिसर्चर ग्रुप ऑफ पीपल के थॉट्स, उनके ओपिनियंस, थिंकिंग और आइडियाज से डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो यस, इट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस ग्रुप। सो व्हाट इज फोकस ग्रुप? फोकस ग्रुप में रिसर्चर 3 to 4 लोगों को इनवाइट करते हैं और उनके थॉट्स, आइडियाज और ओपिनियन के थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, एक कंपनी है और उस कंपनी ने आईफोन लॉन्च किया है। सो अब उस कंपनी को अपने आईफोन पर कुछ फीडबैक चाहिए। ओके,
तो रिसर्चर यहाँ पर क्या करेंगे, 3 to 4 लोगों के ग्रुप और 3 to 4 लोगों को इनवाइट करेंगे और उनके ओपिनियंस और उनके परसेप्शन, उनके थॉट्स और उनसे फीडबैक लेंगे कि ये पर्टिकुलर जो फोन है उसकी क्वालिटी कैसी है, ओके, कैमरा क्वालिटी कैसी है, स्क्रीन साइज कैसी होनी चाहिए, स्टोरेज कैसा होना चाहिए, क्या इस फोन को फोन की लॉन्ग बैटरी लाइफ है या नहीं। सो यहाँ पर रिसर्चर उनके फीडबैक्स लेंगे और उन फीडबैक्स के थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस ग्रुप में यू कैन से यहाँ पे जो 3 to 4 लोग है यहाँ पर ये डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। सो ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और यू कैन से इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो जब भी रिसर्चर टेक्स्ट और वर्ड के फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करते हैं दैट मींस इट कम्स अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, फोकस ग्रुप मेथड जो है इट इज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। सो यस, हियर इट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस ग्रुप। देन हियर ऑप्शन सी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जैसे आपको नेम में ही पता चल रहा है यहाँ पर रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को उनके नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर को ये जानना है कि इंडियन कल्चर कैसा है, ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर खुद ही इंडिया में जाकर उन लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे उनकी क्लोथिंग कैसी है, उनके फेस्टिवल, लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, म्यूजिक, आर्ट्स, फूड्स, इन सारे चीजों को ऑब्जर्व कर रिसर्चर अपने डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगेन रिसर्चर को डेटा टेक्स्ट और वर्ड के फॉर्म में मिल रहा है। दैट मीन्स हियर अगेन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इट इज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, दैट मीन्स हियर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ग्रुप ऑफ पीपल को रिसर्चर ने इन्वाइट नहीं किया है। ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन ए, फेज ग्रुप। सो रिमेंबर स्टूडेंट, फेज ग्रुप ऐसा रिसर्च में कोई फैक्टर है ही नहीं, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। सो हियर इट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फोकस ग्रुप, ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Dash is a type of data collected by researchers directly from the main sources such as surveys and observations. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के ऐसा कौन से टाइप ऑफ डेटा है जहाँ पर रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द मेन सोर्सेज सच एज सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशंस। सो हियर व्हाट इज सर्वे, सो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अमेजोन से आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया, सो वो कंपनी आपसे उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ फीडबैक लेंगी और यू कैन से यहाँ पर वो कंपनी आपको फीडबैक फॉर्म प्रोवाइड करती है, गूगल फॉर्म के थ्रू आपका फीडबैक लेती है कि वो प्रोडक्ट कैसा था, सर्विस कैसी थी हमारी। ओके, सो यहाँ पर उस फीडबैक फॉर्म के थ्रू रिसर्चर और यू कैन से वो कंपनी आपसे डेटा को कलेक्ट कर रही है। देन नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स वॉट, जहाँ पर रिसर्चर खुद ही ऑब्जर्व करते हैं। जैसे रिसर्चर को कोई कल्चर्स के बारे में स्टडी करना है तो रिसर्चर उस एरिया में खुद ही जाकर उन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, और यू कैन से कोई लिविंग थिंग्स है, कोई एनिमल के बारे में स्टडी करना है, सो उनको ऑब्जर्व करते और डायरेक्टली ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और सर्वेज के थ्रू रिसर्चर डायरेक्टली डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर खुद ही डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इट कम्स अंडर प्राइमरी डेटा। सो हियर यस इट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा में रिसर्चर खुद ही डेटा को कलेक्ट करते हैं। वेयर एज नेक्स्ट ऑप्शन इज सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मीन्स जहाँ पर आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई सेकेंड हैंड चीजें यूज कर रहे हो, मीन्स किसी की चीजें यूज कर रहे हो। सो इन रिसर्च रिसर्चर भी सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं, मीन्स जो अवेलेबल डेटा है उसको, उस इंफॉर्मेशन को अपनी रिसर्च में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू रिसर्च उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, मैगजीन्स के थ्रू और यू कैन से जर्नल्स, आर्टिकल्स के थ्रू उस डेटा को कलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर खुद डेटा को कलेक्ट नहीं कर रहे, दैट मीन्स हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सो यस इट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा, हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है केस स्टडीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किन ऑप्शंस में गिवन है। सो हियर व्हाट इज केस स्टडी। सो केस स्टडी क्या होता है, जहां पर रिसर्चर कोई इंडिविजुअल और कोई 2 to 3 लोगों के बारे में,
उन लोगों को ऑब्जर्व करके उस पर्टिकुलर फेनोमेना को इन्वेस्टिगेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं और उस ऑब्जर्वेशंस के थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं और यू कैन से उस पर्टिकुलर फेनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं डीप में और इन डेप्थ स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कोविड डिजीज। सो किसी पर्सन में कोई पर्सन ऐसा है जो कोविड से सफर कर रहा है, सो रिसर्चर क्या करेंगे, उस पर्सन को ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि उस पर्सन में अर्ली स्टेजेस में क्या क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेटर स्टेजेस में क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उस पर्सन की बॉडी कैसा बिहेव कर रही है। सो यहाँ पर रिसर्चर उस पर्सन को डीप में स्टडी करेंगे और उस पर्सन को यू कैन से उस पर्सन को ऑब्जर्व कर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डीप एंड डेप्थ स्टडी करेंगे। सो यस, हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर, इट इज एन इन डेप्थ स्टडी। देन हियर अगेन, यहाँ पर जो रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो एग्जामिन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पर्टिकुलर फेनोमेना को, सो यहाँ पर रिसर्चर को जो डेटा मिल रहा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और यू कैन से इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। सो यहाँ पर जब भी रिसर्चर को टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में जो डेटा मिलता है दैट कम्स अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च। सो यस, हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, द गैदर डेटा इज जनरली क्वालिटेटिव। Then here option C, the number of units to be studied is small. So again student, this is very important point and yes, here option C is also correct because case study mein researcher koi individual or you can say koi 2 to 3 person or koi ek small sample per researcher study karte in depth mein or deep mein. Or yes, here option C is also correct, the number of units studied is small. That means here option D is the right answer, all the above. Okay, next. Closed-ended surveys are an example of, so students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि closed-ended survey कौन से टाइप ऑफ मेथड का एग्जाम्पल है. ओके, सो हियर व्हाट इज closed-ended survey? Closed-ended survey क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने Amazon से कोई प्रोडक्ट बाय किया है, सो आपको उस प्रोडक्ट को आउट ऑफ 5 रेटिंग देनी होती है. ओके, सो आपको 5 स्टार्स में से आपको उस प्रोडक्ट को रेटिंग देनी होती है. दैट मींस आप यहाँ पर जो भी रेटिंग दे रहे हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. और रिमेम्बर स्टूडेंट, जब भी आपको नंबर्स में कोई डेटा मिलता है दैट कम्स अंडर क्वांटिटेटिव रिसर्च और यू कैन से क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. सो यस, क्लोज एंडेड सर्वेस इट इज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इन क्वांटिटेटिव रिसर्च और इट इज द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. वेयर एज व्हाट इज क्वालिटेटिव मेथड, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन में गिवन है क्लोज एंडेड सर्वे. सो क्लोज का अपोजिट होता है ओपन. ओपन एंडेड सर्वेज में रिसर्चर आपको आपके ओपिनियंस और यू कैन से रिस्पोंडेंट्स के ओपिनियंस के बेसिस पर डेटा को कलेक्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कोई फिल्म का रिव्यू है. ओके, सो यहाँ पर फिल्म का रिव्यू करना है. सो यहाँ पर जो भी रिस्पोंडेंट फिल्म का रिव्यू करेंगे, जो जो भी रिव्यू मिलेगा, जैसे उस पर्टिकुलर फिल्म का सीन्स कैसे थे, उस पर्टिकुलर फिल्म में जो एक्टर था उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, ओके, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे थे. सो यहाँ पर रिसर्चर को जो डेटा मिल रहा है रिस्पोंडेंट से इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और यू कैन से इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में जो भी डेटा मिलता है दैट कम्स अंडर क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. सो यस, ओपन एंडेड सर्वे जो होता है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, वेर एज क्लोज एंडेड सर्वे जो होता है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्वान्टिटेटिव मेथड्स. ओके, नेक्स्ट, इन विच मेथड रिसर्चर वॉन्ट्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से मेथड में रिसर्चर रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो यस, हियर इन एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड में रिसर्चर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है स्मोकिंग एंड लंग कैंसर. ओके, तो यहाँ पर रिसर्चर को ये फाइंड आउट करना है कि स्मोकिंग करने की वजह से कि लंग कैंसर होता है, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं क्या उनका लंग अफेक्ट हो रहा है. सो यहाँ पर स्मोकिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेर एज लंग कैंसर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज हम स्मोकिंग का अफेक्ट देख रहे हैं और लंग पर क्या हो रहा है, दैट्स व्हाई हियर स्मोकिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल.
तो यहाँ पर रिसर्चर स्मोकिंग एंड लंग कैंसर के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं. सो यस, इन एक्सपेरिमेंटल मेथड रिसर्चर फाइंड करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन. देन हियर ऑप्शन बी इज सर्वे मेथड्स. सो रिमेंबर स्टूडेंट, सर्वे मेथड्स में रिसर्चर रिस्पोंडेंट से उनके फीडबैक जानते हैं, ना के सर्वे मेथड में रिसर्चर कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी केस स्टडी मेथड्स. सो अगेन, केस स्टडी मेथड में रिसर्चर कोई फेनोमेना को इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उस पर्टिकुलर फेनोमेना के बारे में डीप में स्टडी करते हैं, ना के केस स्टडी मेथड में रिसर्चर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते. सो अगेन हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लिटरेचर रिव्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है लिटरेचर रिव्यू कौन से डेटा का एग्जाम्पल होता है. सो हियर, व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? जहां पर रिसर्चर जो पुराने आर्टिकल्स, जर्नल्स और यू कैन से पेपर्स, मैगजीन से उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं. ओके, दैट इज नोन एज लिटरेचर रिव्यू. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्चर लिटरेचर रिव्यू कब करते हैं? टू डिफाइन द प्रॉब्लम. ओके, प्रॉब्लम को डिफाइन करने में. जैसे यहाँ पर रिसर्चर प्रॉब्लम को डिफाइन करने में लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं? जो भी पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी गैप्स है उन गैप्स को फिल करने में. और यू कैन से यहाँ पर जब रिसर्चर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, सो रिसर्चर की नॉलेज में इंक्रीज होती है उनकी नॉलेज. ओके, देन सेकेंड इज रिसर्चर लिटरेचर रिव्यू आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम भी करते हैं. ओके, सो आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्यों करते हैं? बिकॉज रिसर्चर ये फाइंड आउट करते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पहले रिसर्चर्स ने कैसे सॉल्व किया था, कौन कौन से मेथड यूज किए थे, कौन कौन से टेक्निक यूज किए थे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. ओके, सो हियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर रिव्यू में रिसर्चर जो भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन रीड करते हैं वो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन होती है, जहां पर रिसर्चर दूसरे रिसर्चर्स के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी रिसर्चर दूसरे लोगों के इंफॉर्मेशन को और दूसरे रिसर्चर्स के इंफॉर्मेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी डेटा. ओके, वेयर एज प्राइमरी डेटा मीन जहां पर रिसर्चर खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और कुछ डेटा को कलेक्ट करते हैं, दैट कम्स अंडर प्राइमरी डेटा. बट हियर रिव्यू ऑफ लिटरेचर में रिसर्चर आर्टिकल, जर्नल्स, मैगजीन और पेपर्स के थ्रू दूसरे रिसर्चर के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. सो हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विच इज सेकेंडरी डेटा. ओके, नेक्स्ट. डैश इज अ रिसर्च टेक्निक वेयर रिसर्चर ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट्स इन देयर नेचुरल सेटिंग. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन से ऐसे टेक्निक है जहाँ पर रिसर्चर पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करता है इन देयर नेचुरल सेटिंग और यू कैन से इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट. सो यस स्टूडेंट्स, जहाँ पर रिसर्चर खुद पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करता है उस पर्टिकुलर एरिया में जाकर, उस पर्टिकुलर प्लेस में जाकर, दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर को ये देखना है कि एनिमल्स का बिहेवियर क्या होता है, वो एक दूसरे से कैसा बिहेव करते हैं. ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर फॉरेस्ट में जाकर, यू कैन से जंगल में जाकर, उन खुद उन एनिमल्स को, यू कैन से एनिमल एक्सपर्ट्स जंगल में जाकर एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं और उसके थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, हियर ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट इज द की वर्ड फॉर यू. जहाँ पर रिसर्चर खुद पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन इन द नेचुरल सेटिंग और यू कैन से इन द नेचुरल इन्वायरमेंट. वेयर एज हियर ऑप्शन बी इंटरव्यूज. इंटरव्यूज में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर फेनोमेना और किसी पर्टिकुलर थिंग्स को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर इंटरव्यूज में उन पर्टिकुलर फेनोमेना पर लोगों से क्वेश्चंस करते हैं. सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन सी क्वेश्चनर्स. अगेन क्वेश्चनर्स में रिसर्चर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और उसके थ्रू लोगों से और रिकन से रिस्पोंडेंट से डेटा को कलेक्ट करते हैं, ना के ऑब्जर्व करते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट. सो हियर दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट. डिराइव डेटा यूजेस. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें डिराइव डेटा के सम फीचर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो हियर व्हाट इज डिराइव डेटा? डिराइव डेटा क्या होता है? लेट्स सी एग्जांपल. एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं. ओके, सो हियर दिस इंडिकेट शेयर मार्केट.
एंड दिस इंडिकेट डेथ। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर को देखना है कि शेयर मार्केट की प्राइस कैसे आने वाले दिनों में इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। सो रिसर्चर क्या करेंगे, रिसर्चर पहले ये देखेंगे पहले शेयर मार्केट की प्राइस कहाँ तक कैसे इंक्रीज हो गई, और ये जो है ये दिस इंडिकेट टुडे मीन्स ये आज तक पहले जो शेयर मार्केट की कैसी प्राइस इंक्रीज हो रही थी डिक्रीज हो रही थी, रिसर्चर यहाँ पर उस पर्टिकुलर शेयर मार्केट की प्राइस पर जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको यूज करते हुए रिसर्चर ये बताएंगे कि आगे क्या शेयर मार्केट की प्राइस इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी। ओके, दैट मीन्स डिराइव डेटा मीन्स जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है, दिस इज एग्जिस्टिंग डेटा, जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है उस डेटा का यूज करते हुए न्यू डेटा कैसा होगा और न्यू डेटा को जनरेट करना। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, डिराइव डेटा मीन्स जो एग्जिस्टिंग डेटा है और यू कैन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, उस डेटा का यूज करते हुए कुछ न्यू डेटा जनरेट करना, दैट इज नोन एज डिराइव डेटा। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज एग्जिस्टिंग डेटा पॉइंट्स। सो यस, हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिकॉज डिराइव डेटा में हम एग्जिस्टिंग पॉइंट्स जो है और यू कैन से एग्जिस्टिंग डेटा का यूज करते हुए कुछ न्यू डेटा को जनरेट करते हैं। सो हियर अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्रिएट्स न्यू डेटा। सो यस, डिराइव डेटा जो है, डिराइव डेटा में हम एग्जिस्टिंग डेटा का यूज करते हुए कुछ न्यू डेटा जनरेट करते हैं, दिस इंडिकेट्स न्यू डेटा। ओके, देन हियर ऑप्शन सी, गेट्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। सो यस, डिराइव डेटा में हम डेटा को जो कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। सो हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। So here correct option is option D, all the above are the features of derived data. Okay, next question. Dash is a research technique that uses computer model in which experiments can be conducted. So friends, इस question में हमें find out करना है कि ऐसी कौन सी research technique है जहां पर researcher computer के through real life experiments को model करते हैं. Okay, so yes, it is the definition of simulation. So here option is the right answer. बट वॉट इज सिमुलेशन। सो सिमुलेशन रिसर्च में एक ऐसा डेटा कलेक्शन मेथड होता है जहां पर रिसर्चर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं करते, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बल्कि यहाँ पर रिसर्चर कंप्यूटर के थ्रू एनिमेशन परफॉर्म करते हैं। कैसे, लेट्स सी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पायलट ट्रेनिंग। ओके, सॉरी मेम्बर स्टूडेंट्स, पायलट ट्रेनिंग मीन्स जब पायलट्स प्लेन फ्लाई करना सीखते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली एक्चुअल या रियल प्लेन फ्लाई नहीं करते, बल्कि उनको कंप्यूटर मॉडल या सेटअप से ट्रेनिंग दी जाती है और इस सेटअप को सिमुलेशन कहते हैं। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये सिमुलेशन सेटअप कैसा दिखता है, जैसे वीडियो गेम की तरह। ओके, आप वीडियो गेम खेलते होंगे, वीडियो गेम की तरह ये सिमुलेशन सेटअप दिखता है, और यू कैन से कंप्यूटर गेम की तरह। सो यस स्टूडेंट्स, सिमुलेशन एक ऐसा रिसर्च में ऐसा डेटा कलेक्शन मेथड है जहां पर रिसर्चर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि कंप्यूटर के थ्रू उस एक्सपेरिमेंट को मॉडल करते हैं, इट इज नोन एज सिमुलेशन। ओके, सो अगेन स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च में फोर टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड होते हैं। फर्स्ट इज सिमुलेशन, देन सेकेंड इज एक्सपेरिमेंट, थर्ड ऑब्जर्वेशन, एंड लास्ट इज डिराइव्ड। ओके, वेयर एज एक्सपेरिमेंट मेथड में हम वेरिएबल्स के बीच का विचार, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में किसी रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और उनके थ्रू डेटा को करेक्ट करते हैं। देन लास्ट इज डिराइव, डिराइव में रिसर्चर एग्जिस्टिंग डेटा का यूज करते हुए कुछ न्यू डेटा जनरेट करते हैं। सो यस, फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन इज द राइट आंसर, विच इज सिमुलेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें किस ऑप्शन में डेटा कलेक्शन के मेथड्स गिवन है। सो हियर ऑप्शन इज ऑब्जर्वेशंस। सो यस, इट इज करेक्ट, इट इज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जहां पर रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व कर डेटा को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। सो रिसर्चर उस कल्चर के नेचुरल सेटिंग में और यू कैन से नेचुरल इन्वायरमेंट में जाकर उस पर्टिकुलर कल्चर को ऑब्जर्व करके अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे। देन हियर ऑप्शन बी सर्विस,
अगेन सर्वे इज द राइट आंसर. जैसे रिसर्चर को कोई पर्टिकुलर यू कैन से कोई अमेजोन से आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय किया है, सो उस प्रोडक्ट के फीडबैक को और उस प्रोडक्ट के क्या है, उस प्रोडक्ट में आपको कैसा अच्छा लगा, उस फीडबैक जानने के लिए रिसर्चर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. एक सेट ऑफ क्वेश्चन आपको पूछते हैं थ्रू सर्विस. ओके, सो यस, सर्विस के थ्रू भी रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करते हैं. देन हियर ऑप्शन सी इंटरव्यूज. सो यस, इंटरव्यू इज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जहां पर रिसर्चर एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू लेते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर डिजीज के एक्सपर्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, सो उनके इंटरव्यूज के थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं. सो यस, हियर ऑब्जर्वेशन, सर्वेज एंड इंटरव्यूज, दिस ऑल दिस थ्री आर द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव. सो स्टूडेंट्स, आई होप द टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन इज क्लियर टू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.